इमली को खुद ही किडनैप कराए आदित्य, लेकिन क्या है ये बड़ा फैसला लेने की वजह, आइए आपको बताते हैं पूरी अपडेट इस वीडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फीफा फूस टीवी में, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टीवी शो इमली में लगातार नए उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी मालिनी का पलड़ा भारी नजर आता है तो कभी इमली बाजी मारती दिखाई पड़ती हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक दाव मालिनी का ही ज़्यादा तगड़ा रहा है। हालांकि आने वाले एपिसोड में आपको एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, इमली किडनैप हो जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, इमली को किडनैप करवाने वाला और कोई नहीं है बल्कि खुद आदित्य होगा। ये जानकर हर दर्शक को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल कोर्ट में मालिनी के खिलाफ इमली सबूत पेश नहीं कर पाएगी और उसे हार का सामना करना पड़ेगा। बावजूद इसके घर वालों को मालिनी पर शक हो जाएगा और बचने के लिए वो प्रेग्नेंट होने का झूठ नाटक करेंगी। मालिनी घर वालों के सामने बेचारी बन जाएंगी और उसे प्रेग्नेंट समझकर घर वाले और आदित्य को और आदित्य दोनों ही उसे अपना लेंगे। मालिनी की प्रेगनेंसी की बात सामने आने के बाद इमली को घर छोड़कर जाना होगा और तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेंगे। इमली के किडनैप होने की बात सुनकर हर कोई सन्न रह जाएगा, लेकिन इमली को इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। इमली की किडनैपिंग से आदित्य को खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका कारण और कुछ नहीं है बल्कि ये है कि आदित्य खुद इस सारे खेल का मास्टरमाइंड है। उधर इमली को पता चलेगा कि उसके जैसी तमाम लड़कियां किडनैपिंग के इस नेक्सस में फंस गई हैं। क्या इमली इस जाल से निकल पाएगी? अगर हाँ तो उसे क्या तरकीबें लगानी पड़ेगी, ये जल्द ही आप सबको पता चलेगा। इस बड़े से ट्विस्ट के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा फूस टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।